फ्रेंड्स, मैं ज्योति पाराशर आपका सीएस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करती हूँ। और आज और आप हम मिलके हम क्या करेंगे, आप और हम मिलके आज डिस्कस करेंगे इंस्टेंस मैसेज के बारे में, जो एनसीईआरटी बुक में आपका बताया गया है। एनसीईआरटी बुक में ये कहा गया है कि इंस्टेंस मैसेज होते क्या हैं, आप कैसे परफॉर्म करते हो, उसके लिए स्पेसिफिक आपके प्लेटफॉर्म दिए हुए हैं, उनके नाम बताओ। आपसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि इंस्टेंस मैसेज के लिए जो आपके लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किए गए हैं आईसीटी की तरफ से, वो कौन कौन से हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, उन चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं आपके सामने लेके चलती हूँ क्या है। अब जो इंस्टेंस मैसेज है, क्या है आपके मैसेज है, अब क्या किया, अभी जैसे क्या है कि यूजर है, क्या है यूजर, ये क्या है यूजर, और यहाँ पे क्या है रिसीवर। ठीक है बच्चों, क्या है रिसीवर, रिसीवर। अब मैंने लिखा हेलो, हाउ आर यू, तो इसने कहा आई एम फाइन थैंक यू, टेल मी अबाउट यू। ठीक है, तो हमें डायरेक्टली एट ए टाइम एक ही प्लेटफॉर्म पे क्या मिला, हमें मैसेज मिल गया करंट में कि हमने जो इन्फॉर्मेशन मिली कि वो उस तक पहुंच चुकी है या नहीं पहुंची। तो इसका मतलब है हमने जो काम किया वो उस तक उस प्लेटफॉर्म पे पहुंच चुका है। अब क्या है, अब पहले क्या करते थे, हम लेटर पोस्ट करते थे, उस तक पहुंचा या नहीं पहुंचा वो हमें 1 वीक या 15 डेज बाद हमें पता चलेगा। तो यहाँ पे हमें डायरेक्टली पता चल जाता है किसी को मैसेज पहुँचा रहे हैं, जो आईसीटी है, क्या है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, उसने हमें ये क्या दिया, प्लेटफॉर्म दिया कि हम डायरेक्टली किसी से बात कर सकते हैं और विद इन सेकेंड में हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो हमें मिल सकती है कि यूज़र को वो जो हमारा रिसीवर है, रिसीवर को वो हमारा डाटा मिला या नहीं मिला। ठीक है बच्चों, अब आप आगे चलते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास ये प्लेटफॉर्म, तो हमारे पास प्लेटफॉर्म क्या दिया, जैसे क्या है गूगल है, गूगल टॉक दिया हुआ है, याहू है, याहू मैसेंजर ले लो, मैसेंजर हो गया आपका, व्हाट्सएप हो गया, व्हाट्सएप हो गया आपका, या आपका टेलीग्राम भी होता है आपका। अब ये क्या है आपके, जो आप यहाँ पे क्या करते हो, SKF हो गया यहाँ पे, आप क्या करते हो, किसी जब एक इंसान ने कोई टेक्स्ट सेंड किया और तभी वो ऑनलाइन है तो हमें क्या करेगा, वो रिप्लाई देगा एट ए टाइम, वो क्या है इंस्टेंस मैसेज। इसको आप क्या करते हो, टेक्स्ट की फॉर्म में भी भेजते हो, क्या करते हो आप, क्या करते हो टेक्स्ट की फॉर्म में भी भेजते हो, ऑडियो भी सेंड करते हो, क्या करते हो ऑडियो भी, आप क्या करते हो वीडियो भी सेंड करते हो, इमेज भी सेंड करते हो, सेंड करते हो ना बच्चों। तो ये चीज़ें हमारे क्या है इंस्टेंस मैसेज का पार्ट है। अब हम नेक्स्ट, मैं आपको थोड़ा सा पॉइंट क्लियर कर देती हूँ कि जो हमारा आईसीटी का पोर्शन है वो आपका कंप्लीट हो गया है यहाँ पे। अगर इससे रिलेटेड जब मैं आपको नेक्स्ट कराऊंगी, आप भी आपको बता दूँ जब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो करूँगी बनाने के बाद, ये कंप्लीट करने के बाद टॉपिक, तो जो हमारी CBSE बोर्ड क्या है, CBSE बोर्ड में जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आए हुए हैं इससे रिलेटेड, किससे रिलेटेड, आईसीटी की यूनिट से रिलेटेड जो हैं आपके क्वेश्चन, वो आपको मैं सारे कराऊंगी स्टेप बाय स्टेप, जितने भी अब तक आए हैं CBSE में, जिससे आपके जितने भी कंसेप्ट हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे और आपके किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो तभी मैंने आपको कहा बच्चों, जितने भी आप नंबर ऑफ फ्रेंड्स हैं तो आप क्या करें, सब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें कि जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो आपको पता चल जाए और क्या है आप इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पाओ कि आपका कोई भी पॉइंट छूटे ना। ठीक है बच्चों, अब क्या है जो आपका हमारा जो नेक्स्ट यूनिट है, जो आपकी यूनिट क्या आती है आपकी थर्ड, उसकी हमारे पास क्या है वर्ड प्रोसेसिंग। ठीक है बच्चे, हमारे क्या है वर्ड प्रोसेसिंग। अब वर्ड प्रोसेसिंग में बच्चे मैं आपको ओवरव्यू बता रही हूँ, डिस्कस हम नेक्स्ट वीडियो में ही करेंगे। वर्ड प्रोसेसिंग में हम क्या करते हैं,
बच्चे जैसे हमारे पास वर्ड की फाइल है, क्या है ये विंडो ओपन हुई हमारे मॉनिटर पे, ये मॉनिटर ये लगा, फिर हमारी ये विंडो ओपन हुई, एमएस वर्ड क्या किया ओपन किया हमने। ओपन होने के बाद ये हमारे पास मेन्यू बार आ गया, ये होम टैब आ गया, तो हमारी ये क्या है स्क्रीन है जिसपे आप क्या करते हो टेक्स्ट लिखते हो, टेक्स्ट लिखते हो, क्या लिखते हो, नीचे हमारा स्क्रोलर बार होता है आपका, यहाँ पे आपका ऊपर टाइटल बार होता है जो डॉक्यूमेंट बार भी बोलते हैं जिसको, यहाँ पे आपका एक जो नई हमारी विंडो आई है यहाँ पे आपका फाइल का ऑप्शन होता है, यहाँ पे आपका डायरेक्ट फाइल का ऑप्शन सेव करने का ऑप्शन होता है, यहाँ पे आपका अंडू और रिन्यू करने का भी ऑप्शन होता है, यहाँ पे आपका होम है, यहाँ पे आप इंसर्ट हो गया या एडिट हो गए, पहले फाइल होम पे यहाँ पे एडिट एडिट इंसर्ट, आप कोई भी पेज इंसर्ट कराना चाहते हो, तो हम क्या करते हैं ये बेसिकली परफॉर्म करना सीखेंगे वर्ड में कि हमारी जो वर्ड की फाइल है वो क्या क्या परफॉर्म करती है और हम अपने कंटेंट को कैसे बहुत अच्छा बना सकते हैं मतलब एक अट्रैक्टिव फीचर्स में, क्या नंबर ऑफ जो लैंग्वेज होती हैं मतलब टेक्स्ट को हम दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, तो वहाँ पे हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। आई होप सो आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी, और बच्चों जो चीज़ आपको समझ नहीं आई होगी बी सीरियसली आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कि मैम आप इस चीज़ को हमें और बेटर करके अगर बता सकते हो तो मैं उसे और ज़्यादा डिस्कस करके बताऊँगी जिससे आपका पॉइंट क्लियर हो जाए। आज के लिए इतना ही बच्चों, और इस हालात को देखते हुए जो लॉकडाउन की सिचुएशन है तो इस सिचुएशन में आप बच्चे सेफ रहिए घर में और फैमिली में, मम्मी पापा को परेशान ना कीजिए और हेल्दी खाइए और हेल्दी रहिए। कुछ टाइम जो सुबह है आप अपना घर फैमिली के साथ योगा कीजिए जिससे आपकी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है।